अमेठी में देर रात भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में सभी मृतक एक बारात से वापस लौट रहे थे, तभी बोलेरो गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई, आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजने के प्रयास में जुट गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल गौरीगंज में भर्ती कराया गया है, जहां से 4 को ट्रोमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना सगरा आश्रम के पास हुई। हाईवे के ऊपर बारात से लौट रहे थे लोग नसीराबाद क्षेत्र से, और एक ट्रक से बलेरो में थे, ट्रक से टक्कर हुई जिसमें 6 लोग मृत हुए हैं और 4 घायल हैं। घायलों को उपचाराधीन है और उनको यहां से रेफर किया गया है। सड़क के किनारे मौजूद लोगों के मुताबिक रात 12:15 बजे ट्रक और बोलेरो में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बोलेरो में सवार करीब 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि रात 1 बजे तक 3 शवों की पहचान हो चुकी थी। 4 लोग घायल भी हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी की हालत नाजुक है। मरने वाले सभी लोगों की पहचान हो गई है। इनमें अमेठी के गुड़रे गांव के 40 वर्षीय कल्लू का 8 वर्षीय पुत्र सौरभ, शाहगढ़ के 30 वर्षीय कृष्ण कुमार सिंह, शिव मिलन निवासी नेवड़िया वीर रामपुर शाहगढ़ के रवि तिवारी और पचहरी गांव गौरीगंज त्रिवेणी प्रसाद शामिल हैं। 4 घायलों में पचहरी निवासी मुकेश 13 साल, अनुज 8 साल, अनिल निवासी पूरे गणेशी गांव 26 साल और मुंशीगंज निवासी 22 साल का लवकुश है। चालक समेत सभी 10 लोग बोलेरो में सवार थे। बारात जायज के रोड पर कासिनपुर हाल्ट रेलवे क्रॉसिंग के पहले नाव गजी गई थी। बताया जा रहा है कि बोलेरो में सवार सभी लोग रायबरेली के नसीराबाद क्षेत्र के किसी गांव से बारात से लौट रहे थे। बाबूगंज सगरा आश्रम के पास सामने से एक ट्रक आ रहा था। बोलेरो की रफ्तार भी तेज थी, दोनों में आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना के बाद वहां कोहरा मच गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह व अन्य अधिकारी पहुंचे। अमेठी से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।